Good morning, class. Now we start our next chapter, unseen passage and comprehension passage. Reading comprehension. Reading comprehension क्या होता है? Reading comprehension is the ability to read text, process and understand its meaning. कोई भी comprehension passage आपको दिया जाता है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? Reading. Reading किस तरह से करनी है कि हमें समझ में आ जाए कि उस text में क्या लिखा है, ये उस passage में क्या लिखा हुआ है, उसका अर्थ क्या है, ये सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए. अब हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटेजीज की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? मॉनिटर कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन को कोई कंप्यूटर से हमें मॉनिटर नहीं करना होता, हमें देखना होता है उस कॉम्प्रिहेंशन में कि उस पैसेज को पढ़ के हमें क्या समझ में आया है और क्या नहीं समझ में आया है. बात करेंगे थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. दिस इन अदर वर्ड्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाकॉग्निशन. मेटाकॉग्निशन इसमें होता है. अब इसके कुछ पॉइंट्स है, इसमें हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ कठिनाई आई है और क्या कठिनाई आई है पूरे पैसेज में, फिर हम उन पैसेज को अपने ही अर्थ में समझने की कोशिश करते हैं, फिर पुनः उस पैसेज को पढ़ते हैं और जो भी हमारे पास कठिनाई आती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्लियर? अब हम बात करते हैं सिमेंटिक एंड ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन की. अ ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज नॉलेज मैप. नॉलेज मैप और कॉन्सेप्ट मैप, स्टोरी मैप, कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजर, एडवांस ऑर्गेनाइजर और कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड इज अ कम्युनिकेशन टूल दैट यूजेस विजुलाइज सिंबल्स टू एक्सप्रेस नॉलेज, कॉन्सेप्ट, थॉट्स और आइडियाज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम. इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू, स्टोरी बोर्ड के थ्रू या जो इवेंट्स होते हैं पूरे जो है आपके पैसेज में, उसका एक स्टोरी मैप बना लेते हैं या उसके कॉज और इफेक्ट इन सब पे ध्यान रखते ही उस पैसेज को हम अच्छे से पढ़ते हैं और अपने दिमाग में बैठाते हैं. बात करते हैं हम क्वेश्चन एंड आंसरिंग की. इसमें क्या होता है कि जो है बच्चे पहले तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर उससे समझते हैं कि क्या समझाया गया है, फिर उसके बाद जो है बच्चे अपने आप को इस तरह से एक्टिव कर लेते हैं कि क्या उनमें उन्होंने पढ़ा है, फिर उसके बाद जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग कि पूरे कॉम्प्रिहेंशन को फिर से ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं और इस तरह से हम कंटेंट ऑन के जो पूरा रेफरेंस दिया होता है पैसेज में उसको अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और उससे रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका हम आंसर देने की कोशिश करते हैं. लास्ट में हमारा क्या है? क्वेश्चन जनरेशन. क्वेश्चन जनरेशन में क्या होता है कि हम जो पैसेज का कंसेप्ट होता है वो अच्छे से समझते हैं और हम क्या पढ़ना है वो भी ध्यान में रखते हैं. इससे क्या होता है कि हमें अच्छे से याद हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन इस पूरे पैसेज में पूछे जा सकते हैं और किस तरह से हम उसका आंसर देंगे. तो जब भी हमें कोई अनसीन पैसेज मिलता है तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, पूरे पैसेज को एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, जब तक आपको ना समझ में आए आप उस पैसेज को तीन चार बार पढ़िए. उसको पढ़ने से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि ये पैसेज किस बारे में लिखा गया है. ठीक है? फिर उसके पैसेज के अकॉर्डिंग आप अपने दिमाग में स्टोरी मैप भी फिट कर सकते हैं. ठीक है? फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़िए, उन्हें समझिए कि क्या उसमें दिया गया है और फिर उसका आंसर अपने आप से ढूंढकर लिखिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो पूरे आपके पैसेज के कहीं ना कहीं छोटे छोटे फॉर्म में दिए होते हैं. थैंक यू क्लास. फिर जब आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिए.